स्वागत है। 2009 किनिया इलेक्शन होती है, प्रेसिडेंट बनते हैं किबाकी साहब और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ओडिंगा साहब। इलेक्शन के बाद फैक्शंस बन जाते हैं, आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, ट्राइब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोई 1500 के करीब आदमी मारा जाता है। कोई कहते हैं 600,000 के करीब मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान डिस्प्लेस हो गए थे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ औरत है जिसको इन कष्टों को भुगतना पड़ता है अपनी फैमिली को साथ रखने के लिए। बहुत सारी औरतें जुड़ी, तरह तरह के प्रोटेस्ट किए उन्होंने, बहुत कोशिशें की मगर किसी ने ना सुनी। फिर रुकिया सुबह करके उनकी एक लीडर थी, वो डिसाइड करती हैं कि वी विल गो ऑन सेक्स स्ट्राइक, हम अपने हस्बैंड्स के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे जब तक शांति नहीं होती है। और इस स्ट्राइक में बहुत सारी औरतें जुड़ जाती हैं, यहां तक कि प्रेसिडेंट किबाकी की बीवी और प्राइम मिनिस्टर ओडिंगा की वाइफ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और वो ये कहते हैं कि जितने सेक्स वर्कर्स हैं उनका जो भी लॉस है उसका पैसा हम देंगे। जब ये देशव्यापी सेक्स स्ट्राइक शुरू होती है, एक हफ्ते के अंदर पीस रेस्टोर होती है, गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो जाती है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठ के बात करना शुरू कर देते हैं। ये औरत की ताकत है, एक नॉन वायलेंट पैसिव। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आइडिया आया कहां से, तो आइए मैं आपको एथेंस में लेके चलता हूं। ईसा से 411 साल पहले एरिस्टोफेनीस के नाम के वहां पे एक प्ले राइट थे, उन्होंने लिसिस्ट्राटा एक प्ले लिखा था। उसमें आइडिया ये था कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो वॉर चल रही है उसको रोकने के लिए, बाय द वे इस वॉर को पिलोपोनेशियन वॉर बोलते हैं हिस्ट्री में, उस वॉर को रोकने के लिए पूरे ग्रीस की औरतें एक साथ जुड़ जाती हैं और वो कहती हैं हम अपने हस्बैंड्स के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। और इस तरह से वो पीस को रेस्टोर करती हैं। ये आइडिया 2500 साल पुराना है और इस आइडिया ने प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, इस आइडिया ने रोड्स बनाई हैं, इस आइडिया ने नोबेल प्राइज भी जीता है। आज आप उसकी कहानी सुनेंगे। 1520 और 30 के आसपास दुनिया में बहुत सारे एम्पायर्स थे, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, तरह तरह के, और ये एम्पायर्स अपने लिए स्लेव सोर्स करते थे। स्पेनिश और पोर्चुगीज होंडुरास और निकारागुआ से सोर्स करते थे मर्द और औरत, और जहां पे भी रखते थे बहुत बुरी हालत में होते थे। ऐसी सिचुएशन में निकारागुआ की औरतें डिसाइड करती हैं कि वो अपने वैवाहिक संबंधों को स्थगित करेंगी और बच्चे पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि जो बच्चा आएगा वो इसी एनवायरनमेंट में आएगा। और इस स्ट्राइक को हिस्ट्री में स्ट्राइक ऑफ यूट्रस के नाम से जाना जाता है। इसने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया था उस टाइम पे। कुछ इसी तरीके की चीज 1992 में पोलैंड में भी हुई। औरतों के ऊपर एबॉर्शन पे कंप्लीट बैन आ गया और कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल नहीं थे। ऐसी स्थिति में औरतों ने कहा कि वी विल एसर्ट आवर रिप्रोडक्टिव राइट्स, और हम वैवाहिक संबंधों को और किसी प्रकार के हमारे जो शारीरिक संबंध है उसको हम स्थगित करते हैं। और इस स्ट्राइक ने उस कानून को बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था। अब हम स्ट्राइक ऑफ यूट्रस से स्ट्राइक ऑफ क्रॉस लेग्स की तरफ चलते हैं। कोलंबिया 1997, बहुत वायलेंस चल रही थी, ड्रग ट्रैफिकर्स, लेफ्ट विंग गोरिल्लास, पैरामिलिट्री, सब तरफ के लोग आपस में लड़ रहे थे। वायलेंस, रेप्स, मर्डर्स आम बात हो गई थी और इस सब चीजों का खनाजा फिर औरत को ही भुगतना पड़ रहा था। जनरल मैनुअल बोने मीडिया में आते हैं और इन सब लोगों की जो लेडीज हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, वाइव्स हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने शारीरिक संबंध स्थगित करो, बंद करो इसको। मेयर बोगोटा के पूरी सिटी को एक दिन के लिए विमेन ओनली जोन डिक्लेयर कर देते हैं और मर्दों को कहते हैं घर बैठो,
और वायलेंस के ऊपर सोचो, ये स्ट्राइक शुरू होती है। डिप्लोमेटिक, डेमोक्रेटिक, बैक चैनल्स सब खुल जाते हैं, सब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और एक टेम्पररी पीस रेस्टोर होती है। ये ताकत है एक सेक्स स्ट्राइक की। 2006, परेरा नाम की एक सिटी है कोलंबिया में, वहां पे भी बहुत ज्यादा वायलेंस था। एक रेफरेंडम होता है जिसमें 140,000 परेरा के निवासी डिसाइड करते हैं इस फेवर में कि वायलेंस खत्म होनी चाहिए, फिर भी नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में जो वहां पे गैंग मेंबर्स थे, उनकी जो फीमेल पार्टनर्स थी, वो डिसाइड करती हैं दैट वी विल गो ऑन सेक्स स्ट्राइक, कंप्लीट सेक्स स्ट्राइक। जब तक शांति नहीं होती है ये सेक्स स्ट्राइक शुरू होती है, और 2006 में शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही डिसीजन आ जाता है, सिविल डिसआर्ममेंट पहुंचती है, और 2010 तक 26.5% परसेंटेज ड्रॉप होता है मर्डर रेट में परेरा में। और 2006 में ही ये सारी लेडीज एक रैप सॉन्ग भी निकालती हैं जिसमें वो कहती हैं कि टुगेदर वी शैल विन अगेंस्ट द वायलेंट वंस विद आर लेग्स क्रॉस्ड। अब हम चलते हैं 2011 में बार्बेकोस, ये एक छोटा सा गांव है कोलंबिया में, पहाड़ी गांव है, 35 मील दूर है जो नियरेस्ट सिटी है उससे, और वो 35 मील की जर्नी चलने के लिए 7 से 10 घंटे लगते हैं। बार्बेकोस की औरतें कोई 300 के करीब डिसाइड करती हैं दैट वी विल गो ऑन सेक्स स्ट्राइक जब तक एक रोड नहीं बनती है, क्योंकि बच्चों को इस जीवन में लाना और इस जगह पे लाना बेकार है जहां खाना टाइम पे नहीं आता है, जहां मेडिसिन की सप्लाईज नहीं आती हैं, जहां किसी प्रकार के जीवन की जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। तो गवर्नमेंट जब तक रोड नहीं बनाएगी वी विल रिमेन ऑन सेक्स स्ट्राइक। और ये सेक्स स्ट्राइक कोई काफी लंबी चलती है, कोई 30 दिन के ऊपर गवर्नमेंट बकल करती है और रोड के लिए पैसा रिलीज होता है। ये है ताकत एक औरत की, और जब औरतें साथ जुड़ जाएं और एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करें एसर्टिंग देयर नेचुरल रिप्रोडक्टिव राइट, तब ये पॉसिबल है। अब मूवमेंट ऑफ क्रॉस लेग्स से चलते हैं लाइबेरिया की तरफ। 1989 में प्रेसिडेंट चार्ल्स टेलर पावर में आते हैं और 14 साल तक सिविल वॉर्स चलती हैं। 2 सिविल वॉर्स हुई थी, ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स, तरह तरह के वायलेंट क्राइम्स, बहुत आम बात थी। लड़के को उठा लेते थे और 2 साल के बाद वही लड़का वापस आता था पूरी तरह से ड्रग्ड, और वही आदमी आके अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने घर में लोगों को गोलियां मारता था। इतना बुरा हाल था कि 1996-97 में जब इलेक्शन होती हैं तो प्रेसिडेंट चार्ल्स टेलर का एक स्लोगन था, ही किल्ड माई मा, ही किल्ड माई पा, बट आई विल स्टिल वोट फॉर हिम, और वो जीते। हर घर में किसी ना किसी का बाप, भाई, बेटा अफेक्टेड था, यहां तक कि औरतें खुद अफेक्टेड थी। लड़कियों को उठा के लेके जाया जाता था, उनको लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, और फिर शाम को उनका शारीरिक उत्पीड़न होता था। इन सब चीजों से मजबूर होके औरतें, जिनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है अपनी फैमिली को साथ रखने का, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सब औरतें जुड़ती हैं, एक साथ आ जाती हैं और एक ग्रुप बनता है, विमेन ऑफ लाइबेरिया फॉर मास एक्शन। इस ग्रुप के लीडर हैं लेमा बोवी, जो सोशल एक्टिविस्ट थी, और जो एलन जॉनसन सरलीफ। ये औरतें जगह जगह पे जाके खड़ी हो जाती हैं और प्रोटेस्ट करती हैं। इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका बड़ा नायाब था, ये गाते थे, ये डांस करते थे, पर किसी ने इनकी ना सुनी। एक दिन एक मुस्लिम औरत ये डिसाइड करती है और एक आइडिया देती है कि लेट्स गो ऑन सेक्स स्ट्राइक, एब्स्टिनेंस, हम अपने वैवाहिक जीवन को स्थगित करेंगे और मर्दों को फोर्स करेंगे कि जाओ और पीस के बारे में बात करो, तुम भी प्रोटेस्ट करो, हमारे साथ जुड़ो। सेक्स स्ट्राइक शुरू होती है, बहुत सी औरतें
मैरिटल रेप का शिकार होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, बहुत सी चली भी जाती हैं, बट बहुत सी आती हैं अपने ब्रूजेस के साथ, अपने टूटे पांव और हाथ के साथ प्रोटेस्ट करती हैं। और इस प्रोटेस्ट की वजह से और मीडिया के प्रेशर की वजह से इतना जबरदस्त प्रेशर गवर्नमेंट पे आ जाता है कि पीस टॉक्स शुरू होती हैं। अकरा घाना में इस चीज की पीस टॉक्स होती हैं, इन औरतों को पता लगता है कि वहां पीस टॉक्स हो रही हैं, तो ये सारी औरतें वहां पहुंच जाती हैं और उस कमरे के बाहर बैठ जाती हैं और कहती हैं हम जाएंगे नहीं तब तक जब तक तुम लोग पीस टॉक्स को फाइनल नहीं करोगे, शांति चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए। और इन औरतों ने वहां ह्यूमन बैरिकेडिंग कर दी, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं निकल सकता था, लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की, इन्होंने वहां पे भी उनको रोक दिया। जब गार्ड्स आए और उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा अब तुमने हमारा सब कुछ तो ले लिया है, अब हम तुम्हारे सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं, तुम करो जो तुमको करना है। गार्ड्स पीछे हट गए। ये औरतें उस दिन सक्सेसफुल हो गईं पीस को रेस्टोर करने के। यूनाइटेड नेशंस एंटर करता है लाइबेरिया, शांति रेस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है और एलन जॉनसन सरलीफ 2005 या 6 में लाइबेरिया की प्रेसिडेंट बनती है। और लीमा बोवी और एलन जॉनसन सरलीफ को 2011 में नोबेल प्राइज मिलता है। पर आप ये पूछेंगे कि जब इन्होंने थ्रेट दिया कि हम निर्वस्त्र हो जाते हैं तो गार्ड्स पीछे क्यों हटे। वेस्टर्न अफ्रीका में एक मान्यता है कि आप अगर किसी पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं तो यह एक श्राप के समान है। श्राप क्या है? मर्द औरत से जन्म लेता है और जब आप उसको उस स्थिति में देखते हैं तो वो औरत कहती है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैं जन्मदात्री हूं, मैं जिसको तुमने स्थिति में देखा है मैं यही जीवन तुमसे वापस लेती हूं।